नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अनेकों लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिनके बारे में महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी मुश्किल से ही यकीन कर पाएगी कि हाड़ मास से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी दुनिया में चलता फिरता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में और बात करेंगे उनसे जुड़ी हुई कई रोचक जानकारी के बारे में जो शायद ही आपने सुनी हो। यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महात्मा गांधी को यह टाइटल दिया किसने? सोचिए सोचिए। चलिए हम आपको बताते हैं, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल देने वाले व्यक्ति का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद रेडियो से ब्रॉडकास्ट की एक स्पीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा और आज़ाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा था। चलिए अब आपको गांधी जी से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात के बारे में बताते हैं। गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले कई लोगों को नोबेल प्राइज मिला, जैसे कि नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मार्टिन लूथर किंग और आंग सान सू की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वयं गांधी जी को अपने जीवन काल में कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। हालांकि गांधी जी को नोबेल प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, सन 1937, 1938, 1939, 1947 और लास्ट 1948 में, लेकिन आज भी नोबेल प्राइज की कमेटी इस बात पर दुख प्रकट करती है कि वह गांधी जी जैसी महान शख्सियत को नोबेल प्राइज नहीं दे पाए। गांधी जी की मृत्यु के वर्ष यानी सन 1948 में गांधी जी के सम्मान में यह प्राइज किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। आइए अब आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसने गांधी जी की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। 7 जून 1893 को गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तभी एक अंग्रेज़ ने उनके रंग की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने पर आपत्ति जताई, क्योंकि गांधी जी के पास उनका टिकट था, इसलिए उन्होंने ट्रेन से नीचे उतरने से मना कर दिया, लेकिन अगले ही स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इस अपमान ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया और उस दिन गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि वह रंग भेद यानी काले गोरे में भेदभाव की इस कुरीति को खत्म करके रहेंगे। और यही वह समय था जब एक सामान्य व्यक्ति से महानायक गांधी का जन्म हुआ। रंग भेद की इस नीति से लड़ने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने वहां कई अहिंसात्मक सत्याग्रह शुरू किए और वह सफल भी रहे। चलिए अब आपको गांधी जी से जुड़ी एक और रोचक बात बताते हैं। अमेरिकन बिजनेसमैन और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और वह उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं के जैसा गोल फ्रेम का चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। आइए अब आपको बताते हैं दांडी मार्च से जुड़ी कुछ बातें। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध करते हुए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के नाम से एक यात्रा शुरू की गई। यह यात्रा करीब 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। अंग्रेजी ऑफिसर्स से प्राप्त हुए कुछ लेटर से पता चलता है कि अंग्रेज़ों को इस बात का पूरा भरोसा था कि इतनी लंबी पैदल यात्रा गांधी जी जैसे दुर्बल इंसान कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों के दावे से उलट गांधी जी ने यह पूरी यात्रा पैदल चलकर ही सफल की, जिसे देखकर अंग्रेजी सरकार भी हैरान रह गई और अंत में अंग्रेजी सरकार ने हार मानते हुए नमक कानून को वापस ले लिया। अब बात करते हैं गांधी जी से जुड़े कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों के बारे में। वर्ष 1930 में गांधी जी का दांडी मार्च दुनिया भर में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया और सन 1999 में पर्सन ऑफ द
सेंचुरी अवार्ड में दुनिया के दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में उनका नाम शामिल किया गया। अब अंत में बताते हैं गांधी जी से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जो आप पक्का नहीं जानते होंगे। अपने जीवन काल में गांधी जी ने कई छोटे बड़े आंदोलन किए जिसके चलते वे कई बार जेल भी गए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन काल का कितना समय जेल में बिताया? इसका जवाब है 2338 दिन। जी हाँ, गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के 2338 दिन जेल में बिताए और इस दौरान उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी गांधी जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।